एक ही बैच में एडमिशन बचेंगे। देखिए खैर क्वेश्चन लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अजर्शन और स्टेटमेंट वाला, रीजन वाला, जो आपके फेवरेट क्वेश्चन बन गए आजकल कुछ लोगों के, सारे लोग गलत आंसर दे देते हैं इसमें, बहुत सारे लोग। अभिकथन यानी एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, और उसका एक रीजन यानी उसका एक तर्क है, उसका एक कारण है, ठीक है, उसका क्या है कारण? देखिए एक बार अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर वन की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट है डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप, यानी बच्चों के शारीरिक विकास में देरी या डिले अगर होता है तो उसकी जो जिम्मेदारी है या जो रीजन है, जिम्मेवार किस चीज को ठहराया जाएगा? अनुवांशिक बनावट को, कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट में डिले है ना, जो हाइट एज के साथ नहीं बढ़ पाई, कोई अंग ठीक से नहीं डेवलप हो पाया, है ना, तो शारीरिक विकास में यदि देरी होती है तो उसके लिए जो जिम्मेवार है वो कौन है? आनुवांशिक बनावट है, यानी सिर्फ आपके जेनेटिक्स हैं या आपकी हेरिडिटी है। ये हुआ एक स्टेटमेंट। तो क्या ये सही है कि सिर्फ हेरिडिटी जिम्मेदार है अगर फिजिकल डेवलपमेंट में डिले होता है तो? क्यों भाई, अगर खाना ठीक से नहीं मिलेगा, डाइट ठीक से नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलेगा, एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा, स्टिमुलेटिंग नहीं होगा, तो शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट हेरिडिटी एनवायरमेंट दोनों का हिस्सा है। मान सकते हैं कि भाई जो फिजिकल डेवलपमेंट है, आपकी हाइट है, वो हेरिडिटी से बहुत हद तक संबंधित होती है, ऐसा भी नहीं है कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो आपकी सबकी हाइट जो है 6 फीट हो जाएगी, बट अगर ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिला, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया अगर बच्चा, तो डेवलपमेंटल डिले इसलिए भी हो सकता है कि जिस एज तक जितनी हाइट बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ पाई, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिला या उस तरह का एनवायरमेंट नहीं मिला। तो सिर्फ इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ इसमें हेरिडिटी ही एकमात्र रीजन है, ठीक। तो ये बात क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक। आप लोग कंफ्यूज हैं, डी कह रहे हैं आप में से 52% लोग और 28% लोग ए कह रहे हैं। देखते हैं रीजन क्या दिया है इसका। हेरिडेटरी फैक्टर्स आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चूज दी करेक्ट ऑप्शन, यानी बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। यह भी गलत है बात कि शारीरिक विकास के लिए सिर्फ वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी हैं, मतलब एनवायरमेंट का क्या कोई रोल नहीं है? बिल्कुल एनवायरमेंट का रोल है। तो ये भी फॉल्स हो गया। जब दोनों ही गलत हैं तो ए तो हो ही नहीं सकता कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर सही एक्सप्लेनेशन है ना। कुछ लोगों ने तो याद कर लिया ये ऑप्शन, वो जहां ये दिखता है उसी के साथ चले जाते हैं। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही बातें गलत हैं अपनी अपनी जगह भी, और ना तो ये सही रीजन है ए का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? एग्जाम्पल किसका? सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण है, बताइए फटाफट से बताइए, फाइन मोटर स्किल्स के यूज का एग्जाम्पल। हमें पता है दो तरह की मोटर स्किल्स हैं, एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, दूसरी है फाइन मोटर स्किल्स जिसमें सूक्ष्म यानी छोटी मांसपेशियों का समन्वय या कोऑर्डिनेशन यूज होता है। ग्रॉस है स्थूल, ग्रॉस क्या है? स्थूल, राइट। अगर हम बात करते हैं, 66% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है ना। बाकी के लोग क्यों नहीं बता पा रहे? घसीट कर लिखना, या जो हम ऐसे ही कुछ भी कीलम काटी नहीं बना देते बच्चे, दीवारों पे कुछ भी चला दिया, ऐसा है वो भी पेन हाथ में आएगा, कुछ भी लिख रहे हैं उसको आप पढ़ नहीं सकते, ये इतना घसीट के लिखा हुआ है कि आप इसको पढ़ नहीं सकते, ये रीडेबल नहीं होगा, है ना। तो ये स्क्रिबलिंग है। स्क्रिबलिंग क्या है? फाइन मोटर स्किल्स, उंगलियों से करेगा ना बच्चा स्क्रिबल करना, ये राइटिंग की पहली स्टेज है कि स्क्रिबल करता है बच्चा, पेन पकड़ के कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा, लेकिन उंगलियों का प्रयोग करके, फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन लगेगा, यानी फाइन मोटर स्किल्स। फिंगर और आई मसल्स जो है वो आपकी फाइन मोटर स्किल्स में आती है। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स है आपकी जिसमें बड़ी मांसपेशियां, जैसे आपकी आर्म्स, बाहों की मसल, आपके लेग्स की मसल्स, ये सब क्या है? बड़ी मांसपेशियां जो चलने में, दौड़ने में, कूदने में, भागने में, ठीक। तो रनिंग में क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये बात हमें पता है। वॉकिंग में भी क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स। जंपिंग में भी क्या होगा? बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होगा। स्क्रिबलिंग जो है उसमें मेनली आपका स्क्रिबलिंग हुआ, राइटिंग हुआ, ड्रॉइंग हुआ, पेंटिंग हुआ, आईलाइनर लगाना हुआ, निटिंग हुआ यानी बुनाई कढ़ाई, इन सब चीजों में क्या लगता है? फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि उंगलियों की और आंखों की मसल, छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन यूज होता है, ठीक है। आईलाइनर से याद आया, इतना
वाहियात पीछे मैंने कल पढ़ा था कहीं पे, इंस्टाग्राम पे ही देख लिया था बाय चांस, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, थोड़ा देखती रहती हूँ क्या ट्रेंड चल रहे हैं, तो किसी ने लिखा हुआ था, हंसेंगे नहीं आप लोग, कि पता नहीं क्या क्या तो था वो, हाँ किसने बताया, कोई चैट थी जो ऐसी वायरल थी, मैं आपको पका रही हूँ बिल्कुल, अब मेरा मन कर रहा है, मेरी मर्जी है, तो किसने लिखा हुआ था, हाय आई एम काजल, कोई चैट थी, तो नीचे से रिप्लाई आया, एंड आई एम आईलाइनर, तो किसी ने नीचे लिखा हुआ था कि तुम सिंगल ही मरोगे, है ना, तो ये इतना गंदा पीछे मुझे याद है, ये आईलाइनर से, ये एग्जांपल मैं देती रहती हूँ इसलिए याद है। चलो खैर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिनको समझ आ गया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, है ना, आजकल ऐसी ही बातें होती हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही रहेंगे लोग तो क्या करेंगे, है ना, तो आगे से आपको कोई बताए कि शी इज काजल, तो प्लीज ये मत कहिएगा कि आप आईलाइनर हैं, नहीं तो ब्लॉक हो जाएंगे। खैर आगे आते हैं, जो हंसी आ रही है आप लोग समझ भी जाते हो, है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है अभिषेक, है क्या बात। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ दीज चिल्ड्रन वुड बी इन द मिडल चाइल्डहुड स्टेज, मिडल चाइल्डहुड स्टेज यानी 8 से 13 वर्ष के आसपास की कहीं ये स्टेज होगी, लेटर चाइल्डहुड के ही आसपास रहता है ये, 1-2 साल इधर या उधर, इसी को हम मिडल चाइल्डहुड कह देते हैं, मध्य बाल्यावस्था कह देते हैं, जब उसको लेटर चाइल्डहुड कहकर के क्वेश्चन नहीं पूछना होगा तो वो मिडल चाइल्डहुड कहकर के क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं मिडल चाइल्डहुड की, अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा बच्चा मिडल चाइल्डहुड में होगा, यानी इन 4 ऑप्शंस में से किस एक एक्टिविटी को देख करके आप मानेंगे कि ये मिडल चाइल्डहुड में होने वाले बच्चे की विशेषता है। पहला ऑप्शन है, अ चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स व्हाइल एंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले, यानी एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर देता है और काल्पनिक खेल जैसे डॉक्टर डॉक्टर खेलना, क्या मेक बिलीव प्ले है, प्री ऑपरेशनल में आता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, तो मिडिल चाइल्डहुड तो भाई आपका कहीं 8 से 13, 7 से 11 इस तरफ होगा। अ चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन, यानी एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ को समझ, नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली और तर्क उसमें आ चुका है। हाँ ये बात सही है, 8 से 13, 7 से 11 ये प्याजे भी हमें कह रहे हैं कि रीजन तर्क आने लगता है, ठीक बात है, फिर भी पढ़ लेते हैं बाकी ऑप्शंस। सी ऑप्शन है, अ चाइल्ड हु कैन हाइपोथेसाइज पॉसिबल कॉजेज एंड अकॉर्डिंगली डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स, अब हाइपोथेसाइज करेगा दैट मींस 11 साल के बाद की बात होगी, ये तो ये मिडिल चाइल्डहुड की बात नहीं है। फिर आता है डी ऑप्शन, अ चाइल्ड हु इज जस्ट बिगिनिंग टू शो फाइन मोटर स्किल्स सच एज ग्रेस्पिंग अ पेंसिल एंड अदर सच ऑब्जेक्ट्स, अगर बिगिनिंग टू शो है, सॉरी क्या है, बिगिनिंग टू शो फाइन मोटर स्किल्स, हाँ फाइन मोटर स्किल्स को दर्शाना शुरू कर चुका है, दैट मींस कहीं 2 से 7 वर्ष के ही बीच में होगा, तो ये भी गड़बड़ हो गया, तो मिडिल चाइल्डहुड के हिसाब से सिर्फ बी ऑप्शन ही सही है, सिर्फ 50% लोग आंसर कर पा रहे हैं इतने आसान सवाल का। ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लॉट्स ऑफ क्यूज, यानी क्यूज मतलब हिंट कह लीजिए, अबाउट जेंडर एप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट्स, यानी फिल्मों और विज्ञापनों से जेंडर यानी किसी भी लिंग में कैसे व्यवहार करते हैं, यानी महिलाएं और पुरुष क्या कैसा व्यवहार करेंगे, क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है सोसाइटी में, ये हम कहां से सीखते हैं, हम बहुत हद तक प्रभावित होते हैं, हमें बहुत हद तक हिंट मिलती है कहां से, मूवीज से या एडवर्टीजमेंट से, फिल्म से या फिर एडवर्टीजमेंट से, आजकल क्या फैशन चल रहा है, कैसे कपड़े पहने जाएंगे, है ना, ये चल रहा है वो चल रहा है, तो वो कहां से आ रहा है, फिल्म से या एडवर्टीजमेंट से। ठीक अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है, द हाईलाइट दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ डैश एज अ डैश एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है, समाजीकरण की क्या द रोल ऑफ, किसका रोल है ये, मीडिया का या स्कूल का, भाई फिल्म्स और एडवर्टीजमेंट मीडिया में ही तो आती हैं, तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। फिर पढ़ते हैं, एज अ कौन सी एजेंसी, मीडिया कौन सी एजेंसी है, सेकेंडरी एजेंसी है, प्राइमरी थोड़ी हो सकती है, प्राइमरी तो फैमिली होगी, तो ये ऑप्शन यहाँ गलत हो गया, ये सही था, दोनों ऑप्शन सिर्फ बी में ही सही है, यानी मीडिया ये दर्शाता है कि मीडिया एक द्वितीयक कारक के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राइट, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है भाई, एक मूवी आई थी थप्पड़, है ना, कई तो हस्बैंड कहते भाई तो हमारी वाइफ को नहीं देखनी है ये मूवी, गड़बड़ हो जाएगी, दैट मींस कि जो महिलाओं का या पुरुषों का भी फॉर दैट मैटर व्यवहार है या रोल टेकिंग है, एप्रोप्रिएट वेज क्या है आजकल पहनने के, बिहेव करने के, बात करने के, रोल्स के, वो हम बहुत हद तक फिल्म या एडवर्टीजमेंट से प्रभावित होता है, एटलीस्ट जो इन्फ्लुएंस जल्दी से हो जाते हैं वो लोग, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5,
और मीडिया क्या सेकेंडरी एजेंसी है, मीडिया में आपका सब कुछ आ जाएगा, जो भी प्रिंट मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे न्यूज है, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता, यानी 2 से 7 वर्ष के बीच आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता, बताइए क्या कहलाएंगे। थैंक्स मैम, फाइनली यू रिप्लाइड, आई कांट बिलीव। ओहो, अभिषेक कितनी वाहियात बातें कर रहे थे आप, समझ में आया, सार्केस्टिकली रिप्लाई किया था वो मैंने। देखो एक बार, आओ फटाफट से, फटाफट से आ जाओ। ग्रेट। हाँ, सीटेट के सेकंड पेपर के लिए भी यही रहेगी, मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों तरह के क्वेश्चन आपको कराऊंगी। आंसर आप बी कर रहे हैं, 45% लोग। देखिए एब्स्ट्रैक्ट थॉट तो 11 साल के बाद आएगा, ये बात हमें पता है, ये ऑप्शन हट गया। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी अगेन 11 साल के बाद आएगी। अब कंफ्यूजन बचती है बी और सी में, एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर या फिर एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या फिर दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता। तो लास्ट टाइम जब ये क्वेश्चन इस तरह से आया था, इन्होंने आंसर कंसीडर किया था एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव। वैसे तो ईगो सेंट्रिक होता है, बट 4 से 7 तक आते आते ये ईगो सेंट्रिज्म कम हो जाता है, तो उस सेंस में इन्होंने इस बार इसको कंसीडर नहीं किया। अब थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर भी होता है कई बार, क्योंकि पेडागॉजी है तो ऐसा कुछ 100% फिक्स कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, मान लीजिए ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, शुरुआत इसकी सेंसरी मोटर में ही हो जाती है, बट ऐसा थोड़ी कि वो चीज बेहतर नहीं होगी 2 से 7 में जाने पे, या वो चीज रुक जाएगी अचानक से, क्लियर कट थोड़ी है। ठीक, तो उस केस में यहाँ आंसर एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इन्होंने कंसिडर किया है, जो हम सेंसरी मोटर में पढ़ते हैं और वही आपको याद रखना है। बट इस तरह का कोई एक्सेप्शनल केस बनता है जहां ये कंसिडर ही नहीं कर रहे, नहीं तो इससे बेटर ऑप्शन सी हो सकता था, हालांकि दोनों ही 100% ट्रू नहीं है। ठीक है, तो बी के साथ ही जाएंगे यहाँ पर, आंसर इसी को कंसिडर करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, पढ़िएगा जवाब दीजिएगा, आज तो कम लग रहा है लेंदी क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू प्याजे, प्याजे के अनुसार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी डैश एंड डैश, यानी प्याजे के अनुसार एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, या शिक्षक का कैसा होना बहुत जरूरी है, बताइएगा फटाफट से, कैसा होना बहुत जरूरी है। ए ऑप्शन कह रहे हैं 55% लोग, बहुत बढ़िया, लाइक शेयर भी कर दिया करो जब आ ही जाते हो टाइम से, तो है बताओ एक बार, 55% लोग ना। चलिए देखते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्याजे, टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, मोबाइल यानी डायनामिक होना चाहिए, जो चेंज हो सके, फ्लेक्सिबल हुआ, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रक्चर्ड और रिजिड, भाई रिजिड तो नहीं होना चाहिए, तो फिर तो चेंज के हिसाब से, भाई हर जनरेशन में बच्चे चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, सोशल मीडिया से लेकर 70 चीजें आई हैं, तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बच्चे के अनुसार भी चेंज होना पड़ेगा कई बार। एम्पैथेटिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपेरेंट ऑफ कोर्स, मतलब आप होंगे ही, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन क्या आपको ये नहीं लग रहा है ना, ये तो अंडरस्टूड है ही। मैकेनिकल और बिहेवियरिस्टिक, नहीं बिहेवियरिस्टिक नहीं कि सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे हम फोकस करें, या मैकेनिकल एक मशीनरी की तरह आप काम करें एज अ टीचर, तो यहाँ पे सी भी सही था और ए भी सही था, बट बेटर जो है वो है गतिशील और लचीला, है ना, डायनेमिक हो। अब डायनेमिक होगा तो अपने आप ही जैसी सिचुएशन होगी एम्पैथाइज कर लेगा, सहानुभूति आ जाएगी, समानुभूति कहते हैं वैसे एम्पैथी को, सहानुभूति नहीं, वो सिंपैथी को कहते हैं। तो मोबाइल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी लचीला होना चाहिए और गतिशील होना चाहिए, चेंज हो सके जो टाइम के साथ, क्योंकि आप एज अ टीचर, मान लीजिए आपकी उम्र आज, जैसे मैंने शुरू किया 19 साल में, अगर हम यहाँ YouTube की बात कर रहे हैं डिस्कशन की, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग बड़े ही थे, आज भी बहुत सारे जो लर्नर्स हैं वो मेरे से एज में बड़े हैं, बट अभी होता है ऐसा कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या मुझसे छोटे लोग देखने को मिलते हैं, कभी इंटरव्यू लेते हो या आप लोगों से मिलती हूँ, तो क्या वो एज के साथ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हमेशा एक जगह पे फिक्स हो जाएं और आपकी एज आपके लर्नर्स की एज के साथ चेंज होती रहे, बट आपको कनेक्ट तो हर बच्चे से करना, चाहे वो आपसे एज में छोटा हो, मतलब जनरली तो स्कूल में तो यही होगा कि छोटा ही होगा, तो हर बार जब नई जनरेशन आएगी और आप रिजिड होंगे, आप में लचीलापन नहीं होगा, आप में गतिशीलता नहीं होगी, आप डायनेमिक नहीं होंगे, तो बच्चे आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। अब कितना कनेक्ट करते हैं आप उन लोगों से जो बिल्कुल ही आपकी दुनिया है, आपकी बातें हैं, आपके उनको आपके एग्जांपल और आपको उनके एग्जांपल, जिनको समझ ही ना आते हो, तो ये जरूरी है कि टीचर टाइम के साथ थोड़ा परिवर्तन लाए, डायनामिक हो। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, वो भी आजकल के बदलते जमाने में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन द व्यूज ऑफ लेव वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की के व्यूज में, भाई वाइगोत्स्की का क्या विचार है, वाइगोत्स्की के 3 ही विचार हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन्हीं के अराउंड सारे आंसर, इनके 99% आंसर्स आपके वाइगोत्स्की के सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 बातें होती हैं।
कि भाई समाज और संस्कृति से बच्चा प्रभावित होता है और भाषा क्या है संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। ये तीन बातें वाइगोत्स्की मेनली कहते हैं। कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। दैट मीन्स लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता आपके संज्ञानात्मक विकास पे, आपकी बौद्धिक क्षमता पे, या आपके थिंकिंग इमेजिनेशन मेंटल स्किल्स के डेवलपमेंट में। ऐसा तो वाइगोत्स्की नहीं कह रहे, लैंग्वेज इज अ टूल। वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा क्या है, एक यंत्र है सीखने के लिए या संज्ञानात्मक आपकी समझ को बेहतर करने के लिए, आपके संज्ञान को बेहतर करने के लिए। फिर आता है बी ऑप्शन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाई ये तो कह रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट एक टूल है, यहां इन्होंने उल्टा लिख दिया तो हट गया। लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, लैंग्वेज एक टूल है जिसकी वजह से हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारा तर्क, हमारी इमेजिनेशन, बहुत सारी चीजें बेहतर होती है। तो लैंग्वेज क्या है, एक टूल है। ठीक, फिर आता है डी ऑप्शन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऐसी बात वाइगोत्स्की नहीं करते, प्याजे एक बार को कर सकते हैं, उन्होंने लैंग्वेज को ऐसा बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।